Realme 7 कीबोर्ड साइज सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है कीबोर्ड साइज सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कीबोर्ड छोटा करना है, बड़ा करना है, तो आप इस वीडियो को देखिए, वो सेटिंग कर पाओगे। तो चलिए, वीडियो को देर ना करते हुए यहाँ पर हम शुरू करते हैं और देखते हैं कीबोर्ड साइज सेटिंग। ठीक है, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा मैसेज का ऑप्शन, तो उसमें आप जाके अपना कीबोर्ड को ऑन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये गियर आइकन या फिर सेटिंग। ठीक है, नीचे में आप देख सकते हैं नंबर 5 एंड नंबर 6 के ठीक ऊपर में गियर आइकन है, तो उसमें क्लिक करना है सेटिंग के आइकन पे। उसके बाद आपको मिलेगा प्रेफरेंसेस, तो उसमें जाइए प्रेफरेंसेस पर और उसके बाद कीबोर्ड हाइट यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड साइज़, तो इसको अगर आप एक्स्ट्रा शॉर्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कीबोर्ड कितना छोटा हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कीबोर्ड साइज़ इंक्रीज़ करना है तो जाके इस सेटिंग को कर दीजिए टॉल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कीबोर्ड जो है टॉल हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है आप कीबोर्ड साइज सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों कीबोर्ड का जो वन हैंड मोड है, आप उसको इनेबल करने के लिए एंटर बटन पे क्लिक करें और इसमें आप टैप कर दीजिए, तो आपको आपका जो कीबोर्ड है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो उसमें क्लिक करके आप दोबारा से नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आपको छोटा करना है कीबोर्ड, तो यहाँ पे जो नीचे एंटर बटन है, ठीक है, एरो, उसमें टैप एंड होल्ड करना है और उसके बाद इस वाले पे टच कर देना है। ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन पे या फिर फर्स्ट वाले आप कर सकते हैं। तो उसमें क्लिक करते हुए आप कीबोर्ड का साइज़ जो है वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों है आपके कीबोर्ड साइज़ सेटिंग, जहाँ से आप कीबोर्ड का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं या फिर आप हाइट को ऊपर कर सकते हैं या फिर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।